नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल स्पेशल गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर में। दोस्तों, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानी, जिस अरंडी को पानी दिया जाता है उस अरंडी के बारे में। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी है, ये बीम वाली अरंडी है दोस्तों, बीम क्वालिटी आती है वो। तो दोस्तों, जो हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उनसे पहले, एक दो तीन वीडियो बनाने उससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि बिना पानी की अरंडी कैसे होती है, तो उसमें आपको विस्तार से जानकारी दी गई थी। आप ध्यान से देखें, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हम बता रहे हैं आपको कि इस अरंडी को पानी दिया गया है और उसको पानी नहीं दिया गया था। तो आप देख सकते हैं, जिसे पानी दिया गया उसकी अब हाइट तो देख सकते हैं आप, इतनी हाइट हो गई, कम से कम 3 से 4 से 5 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। हम तो इसके पास में बिल्कुल छोटे छोटे दिख गए और इस पर बहुत सारे फुल प्रूफ पूरा दोस्तों भरा पड़ा है, पूरे पौधे भरे पड़े अरंडी से। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस अरंडी में दोस्तों जो वज़न होता है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका वज़न होता है, जब हम मंडी में बेचते हैं तो उसका वज़न दोस्तों हल्का होता है। ये वज़न के अंदर हल्की होती है और जो वो बिना पानी वाली या एक दूसरी क्वालिटी आती है वो अरंडी होती है, तो उसमें पानी मतलब देते हैं फिर भी वो उसका वज़न अच्छा पकड़ता है। मतलब अपन को वज़न वज़न से मतलब रहता है, जैसे एक कुंटल के पैसे मिलते हैं उस तरह से। तो ये है पानी वाली अरंडी, आप देख सकते हैं इस पर बहुत वो पूरा लदा हुआ है फल उसके, ये देख सकते हैं पूरा पूरा खेत भरा हुआ है और भरपूर मात्रा में अरंडी लगी हुई है। ये खेत भी बहुत अच्छा है और उसे पानी भी 4 से 4 बार पानी दिया गया है दोस्तों। उस पर कोई खाद नहीं डाला गया, कुछ भी नहीं, लेकिन देख सकते हैं आप बहुत ही भरपूर है पूरा खेत भरा हुआ। ये देख सकते हैं अब उस पर भी सूखने लगे हैं और उसको जगह जगह तोड़ के एकत्रित करना पड़ता है, फिर बाद में उसको भी थ्रेसर में आसानी से निकाला जा सकता है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी है भरपूर मात्रा में। अगर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मुनाफा ज़्यादा है तो आप इस अरंडी को लगाइए, और इसे शेड्यूल के माध्यम से इसको वो लगाया गया था। और आप चाहते हैं कि बिना पानी की, आपको जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, खेत अच्छा है, तो वहाँ पर आप अपने फार्म के अंदर पूरी अरंडी लगा सकते हैं। एक बात आपको बता दूँ, उसमें जुताई थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, और 2-3 बार जुताई करने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से जब जुताई हो जाएंगी तब उसे बिना पानी भी वहाँ अरंडी उपजाई जा सकती है। तो ये देख सकते हैं पानी वाले अरंडी, इसमें भरपूर मात्रा में देख सकते हैं बहुत बड़ी अरंडी है और भरपूर मात्रा में इस पर अरंडी लगी हुई है। बस दोनों में यही फर्क है दोस्तों, इसका निकाल थोड़ा हल्का होता है और उसमें निकाल का उसके वजन के हिसाब से। लेकिन मैं बता दूं आपको, इस पर एक पौधे के ऊपर कम से कम 3 से 4 ये फल लगे हुए हैं, इसकी ये लुम्बे है ना, ये लगी हुई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और उस बिना पानी वाली पर 2 से 3 ही होती है, इस पर ज़्यादा होती है दोस्तों, कम से 7-8 हो जाती है। तो आप देख सकते हैं भरपूर मात्रा में पौधे भरे पड़े हैं, तो उसकी मतलब जो वजन कम है तो भी उसका बराबरी हो जाता है दोस्तों, लेकिन उससे पानी का जो खर्चा है वो जो एक्स्ट्रा आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और उसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों कि उसे ऊपर से तोड़ने के लिए उसको पौधे को झुकाना पड़ता है और इतनी हाइट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको जो अरंडी अच्छी लगे उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अच्छी जानकारी और सलाह लेकर आप खेती करें। वैसे दोनों अरंडी की रेट तो दोस्तों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा वजन के अंदर ही थोड़ा मतलब फ़र्क रहता है। और थ्रेसर में दोस्तों इस अरंडी को निकालते समय इससे इसके मतलब थोड़े से सिलके मतलब जगह जगह से निकल जाते हैं, और वो वाली अरंडी बिना पानी वाली या वो दूसरी क्वालिटी होती है उसके वजन के मतलब वो सिलके वगैरह नहीं उतरते हैं, तो इतना सा ये भी उसकी कमी है, ये 2-3 कमी है दोस्तों आपको बता दी। और इस पर कोई दवा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहें और आप चाहते हैं कि और भी पौधा अच्छा हो तो आप अवश्य दवा डालें, लेकिन मेरे हिसाब से इस पानी वाली अरंडी के अंदर आप दवा भी नहीं डाल पाओगे, क्योंकि इसकी हाइट इतनी है दोस्तों कि क्या बताऊँ आपको, हम तो इसके सामने बिल्कुल छोटे छोटे ही दिखते हैं, इतनी इसकी हाइट हो जाती है दोस्तों। ये स्पेशल बीज है, भीम बीज है दोस्तों। तो यदि आप भी प्यारे से किसान भाई हैं तो आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।